आगे बढ़ते हैं। आगरा से खबर है, केंद्रीय मंत्री के ड्राइवर के साथ मारपीट की खबर आ रही है। आपको बताएं, एसपी सिंह बघेल के ड्राइवर को लोगों ने पीटा है। मंत्री जी को उतारने के बाद गाड़ी मोड़ने को लेकर एक विवाद होता है और इस विवाद के बाद ड्राइवर की पिटाई की खबर आई है। पुलिस ने हाथापाई करते हुए सलीम को हिरासत में लिया है और एमएम गेट के सामने का यह पूरा मामला है। मंत्री जी को जैसे ही वो ड्रॉप करता है और गाड़ी मोड़ने को लेकर के पूरा विवाद सामने आता है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि मंत्री के ड्राइवर को लोगों ने पीटा है। हालांकि पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए कार्रवाई की है, सलीम नाम के शख्स को हिरासत में लिया है। एमएम गेट का यह पूरा मामला है जिसके बाहर मंत्री एसपी सिंह बघेल को ड्रॉप करता है ड्राइवर और गाड़ी मोड़ने को लेकर एक विवाद हुआ। इस विवाद में ड्राइवर को पीटा गया है। हालांकि पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिसका नाम सलीम बताया जा रहा है। एमएम गेट के सामने मंत्री एसपी सिंह बघेल को ड्रॉप करने के बाद यह पूरा विवाद सामने आया है। बाकी की डिटेल सहयोगी नितिन से लेते हैं। नितिन, क्या है ये पूरा मामला? दरअसल कल शाम की बात है, एमएम गेट थाना क्षेत्र में एसपी सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री का एक कार्यक्रम था, तो ऐसे में उनके जो चालक है हरेंद्र वो गाड़ी को बैक करके दूसरी जगह वो उसको पार्क करना चाह रहे थे। तभी जो स्थानीय जो लोग सामने आ जाते हैं और उसका विरोध करने लगते हैं, बात आगे बढ़ जाती है तो उसके साथ मारपीट करने लगते हैं, ड्राइवर के साथ चाबी निकाल लेते हैं और कई सारे और भी लोग जुटकर उसके साथ मारपीट करने लगते हैं। ये जो पूरी जो घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इसके बाद ही पता है केंद्रीय मंत्री भी चलता है तो वो अधिकारियों को निर्देश देते हैं और तहरीर दी जाती है। तहरीर के आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। सलीम नाम का शख्स उसको हिरासत में ले लिया गया है और भी बाकी लोग जो सीसीटीवी में कैद हुए हैं। बिल्कुल नितिन, देखते हैं कि अब आगे किस तरीके की कार्रवाई होती है, क्योंकि ये ठीक नहीं है। पार्किंग को लेकर के, गाड़ी मोड़ने को लेकर के इस तरह से बात का आगे बढ़ जाना, देखते हैं क्या एक्शन लिया जाएगा। शुक्रिया नितिन जानकारी के लिए। और चलिए बात